हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप लोग के सामने प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन लाया हूं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोनिकल वेसल है, इसका बेस डायमीटर जो है 36 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 18, और हाइट हमारा कितना है 75 सेंटीमीटर, जो कि एक लिक्विड से फुल है। ठीक है, इस तरह का एक वेसल मान लो और ये लिक्विड से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस लिक्विड को डाल दिया गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल में, जिसका रेडियस हमारा कितना दिया है 15 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि जो लिक्विड इसमें भरेगा, ये किस हाइट तक जो है लिक्विड भरा जाएगा। तो वॉल्यूम सिंपल इक्वल होगा 1/3 πr² h = πr² × h, यही h निकालना है। तो पाई से पाई कट ही गया। अच्छा, तीन को मैं लिख सकता हूँ, तीन को नहीं लिखता हूँ कुछ भी, तीन से इसको काट देता हूँ 25 बार। ठीक है, अब देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ रख लो आप, 18/15 का स्क्वायर कर लो। तो 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, तो एच बराबर हो क्या गया, देखो 36/25 × 25 कट गया, 36 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय अश्विनी एंड विशाल। अब देखो इसमें दो तरह के कॉल आते हैं, आईएसडी कॉल आते हैं और लोकल कॉल्स आते हैं। आईएसडी कॉल का तो नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है, लोकल कॉल्स का जो है परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो भी कॉल्स आएंगे टोटल 100% होगा आईएसडी और लोकल मिला के, राइट। अब देखो अश्विनी का देखते हैं, अश्विनी को जो है 64% क्या आया है, देखो लोकल कॉल, तो 36% क्या होंगे आईएसडी, मतलब इस 36% का जो वैल्यू है वो 630 है। तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 630/36 × 100, 9 से काटो 9 जाके 36, 9 × 7 = 63 और 4 से ये कट गया 25 बार, 25 × 7 = 175, 1750 हो गया। विशाल का देख लेते हैं, 35% लोकल है तो 65% क्या होंगे आईएसडी, तो 65% का वैल्यू ये, तो 100% का कैसे निकलेगा, इतना बटे 65 × 100, 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104, और 5 से 16 बार में कट गया, तो 16 × 100 = 1600, ये हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा है निकालने के लिए, तो 0, 5, 1, 150 डिफरेंस होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। दो सर्किल है C1 C2 हैव ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ लेंथ 12, मतलब टेंजेंट का लेंथ कितना है 12 है, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो C1 C2 का लेंथ पूछा है, जिसको हम लोग x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और रेडियस दिया हुआ है, मतलब r दिया है 10 और r दिया है 6। तो फॉर्मूला जानते हो ना, जब भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट इज इक्वल टू √C1 C2² - r + r² तो ये हमारा कितना है बताओ भाई, 12 है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते, इधर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर C1 C2 की जगह पे हम लोग x रख देते, चूंकि ये निकालना है। r प्लस r करोगे 10 + 6 कितना हो गया 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर था 256 = x². अब इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये रूट आ जाएगा, इस स्क्वायर को यहाँ हटा दूं, ये हो गया √400, तो 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं। एक आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस 750 इज मार्क 24% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 750 का 124%। ठीक है, 25 × 100 = 75। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 × 12 = 4 = 4 = 31 930 हो गया। अब इसी आर्टिकल को दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के साथ बेचा गया है 80% और 3%। इस तरह से बेचा गया है कि प्रॉफिट ₹15 हो जाता है, तो फाइनल जो उसका सेलिंग प्राइस है, देखो 750 कॉस्ट प्राइस था, ₹15 का फायदा होता है, तो 765 लिख सकते हैं ना फाइनल सेलिंग प्राइस। अब 930 में पहले तो 80 का छूट दे रहा है, तो -80 कर दो, उसके बाद फिर से एक छूट दे रहा है P% का, तो 1 - P/100 लिख देते हैं, ये छूट का फॉर्मूला हो गया। अब इसको घटाओगे जरा, तो घटा के मैं डायरेक्टली इसको राइट साइड भेज दूंगा, देखो 0 से 0 गया, 13 में से 8 गया 5 और 8 ही बचेगा ना, 850, तो ये घट के इधर आ गया 850। अब काट दो इधर भाई, 5 से इतना बार में आ गया, 5 से 5 का 5 5 25 5 15 17 दाहिन 17 नंबर, 9/10
अब 9 बटे 10 को लेफ्ट साइड भेजो तो 1 माइनस 9 बटे 10 बराबर पी बाय 100 हो जाएगा। ये घटा के इधर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1/10, तो मतलब 10% कितना आ गया, ये 10% आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो। एक बार दोनों को ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं जोड़ूंगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√x+5। अगर मैं घटाता हूँ यहीं पे, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाता हूँ तो घटा के लिखूंगा क्या होगा, ये और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, मतलब 2√x-5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर मैंने जोड़ा, नीचे मैंने घटाया, 2 से 2 कट गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, इधर हो जाएगा x+5, इधर हो जाएगा x-5, इधर हो जाएगा 81, इधर हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो x+5=81x-5, 8×5=40, तो हो गया 80x=410। तो x=8×5=40, 8×8। अच्छा, इसको भी कुछ नहीं करते हैं, x का वैल्यू क्या निकला हमारा 41/8, निकालना किसका वैल्यू 14x का ना, तो 14 से दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2×8, 2×7=14, अब तो नहीं कट रहा है, 7×7=28, 4×7=28, 4×7=28, 4×8=28, 4×8=28, 4×8=4, 71 point something आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। यहाँ भी कंपोनेंट और डिविडेंड कर सकते हो, पहले राइट साइड देख लेते क्या आएगा, 9×7=63, 63×2=65/7, राइट। अब कंपोनेंट और डिविडेंड एक बार ऊपर दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को घटा के नीचे लिखेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2 sec θ, नीचे अगर हम लोग घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 2 tan θ। अब अगर इधर दोनों को जोड़ते हैं 7×5=12, ऊपर 72 आ जाएगा, नीचे अगर घटाते हैं 15×7=8, 58, 2 से 2 भी कट ही गया। देखो sec क्या होता है 1/cos, और tan क्या होता है sin θ/cos θ, राइट। तो पहले LHS का ही काम कर लेते, ये 1/cos θ तो ऐसे रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा cos θ/sin θ, cos cos कट गया, तो 1/sin क्या होता है cosec θ, तो लेफ्ट साइड में जो है cosec θ ही आएगा, वही वैल्यू पूछा गया, तो राइट साइड में यही रहेगा ना, काट दो 36/29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36, 29, 36
माइनस फोर ए माइनस वन इजकल टू जीरो, ए से दोनों तरफ डिवाइड दे दो पूरे में, ए से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ आ गया ए माइनस फोर माइनस वन बाय ए बराबर जीरो। फोर को उधर भेज देते हैं हम लोग तो यहाँ क्या आ गया वो ए माइनस वन बाय ए इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ पे ये भी निकालना है साथ में ए माइनस वन बाय दोनों चीज, तो वही तो फोर मालूम है तो स्क्वायरिंग कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर सोलह। इसको उधर अगर भेजता हूँ तो अठारह हो गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया अठारह प्लस इन दोनों में से तीन अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए माइनस वन बाय, जिसका वैल्यू हमें चार मालूम है, चार दिया बारह अठारह तीस। नेक्स्ट पे चलो। हाँ, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और ए सी को बढ़ाया गया बाहर की तरफ से और डी और ई तक प्रोड्यूस किया गया द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, सी बी डी ये एंगल और बी सी ई, बी सी इस एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर जो है कहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये कितना है बिरासी डिग्री है, तो बी पी सी का वैल्यू निकालना है ये वाला एंगल। ये एंगल का वैल्यू क्या होता है 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है, ए का वैल्यू बिरासी कट गया 41 तो ये हो गया 49। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड सेविंग्स ऑफ फैमिली ए एंड सी एंड इनकम ऑफ फैमिली डी, इनकम ऑफ फैमिली डी कितना है देख लो 32,000 और कंबाइंड सेविंग्स ऑफ ए एंड सी, फैमिली ए का इनकम है ये एक्सपेंडिचर ये, इसका सेविंग कितना हो गया देखो 12,000 यहाँ सेविंग हो गया ए का और सी का सेविंग कितना हो गया भाई 20,000 इधर हो गया, 20,000 में से 32,000 घटाओ 12,000 आंसर होगा, तो 12,000 ऑप्शन देख लेना कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 48 इंटू 47 इंटू इस तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ फाइव काउंट करना है और नंबर ऑफ टू काउंट करना है, कितने आएंगे इसमें, टू का तो खजाना ही है
जैसे 48, 46, 44 इन सबको जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 तो भरा हो रहेगा, तो मेनली हम लोग को 5 गिनना है। जितने 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो लास्ट में आएंगे। देखो तो 5 किस में आएंगे, 45, 45 में 1 5 आता है, 9 5 45, फिर आगे बढ़ोगे 40 आएगा, इसमें भी 1 5, 35 में 1 5, 30 में 1 5, 25 में 2 5, 25 25, राइट, फिर 20 में 1 5, 15 में 1 5, 10 में 1 5, 5 में 1 5, और तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो गिन लो कितने हैं, 5, 1 2 3 4, तो 6 6 3 9 9 1 10, तो 10 यहाँ है ऑप्शन में। नेक्स्ट पे चलता हूँ, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इतना इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल ऑफ इतना। इसमें देखो क्या होता है, 8579 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस। तो एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देना है, 10 सुना बाकी 1, 7 11 के बाद 2 बाकी 1, 5 3 8, 1 9 और 8 6 14 बटे 2, 2 7 14, 2 6 8, 2 6 12, इतना ये हमारा सीपी आ गया। अब पूछ रहा है द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल सोल्ड इज इतना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो इतना में सेल किया गया है, इतना सीपी घटा दो, प्रॉफिट हो गया 9, 1 1 1 डिवाइडेड बाय इतना इनटू 100%, 1060 कट गया, 6 4 10 7 17, ये किससे कटेगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 7 15, देखो 7 दुना कितना होता भाई, 14, राइट, दुगुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 15 15 बार में लगा सकते हैं, 15 6 90 आ रहा है, 15 बार में एग्जैक्ट कट जाएगा। देखो कैसे मैंने देखा इसको, अगर मैं इसको 15 से गुना करूं, जस्ट इमेजिन इसको तो 15 6 कितना हो गया, 90, 0 और 9 आ रहा है, तो 0 तो ये वाला 0 से कट जाएगा, 9 देखो ये पुड़ जाएगा, इसीलिए अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, शॉर्टकट मुझे समझ में आ गया, ये 15% है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नहीं तो डिवाइड करके देखना, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है। रुपीज इतना व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स इतना आफ्टर एन ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो ट्री मेथड इसको आप लोग समझ सकते हो। 14000 का वैल्यू है, 15000 का मतलब हो गया 15/100, 3/ कितना हो गया भाई 20, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 20 से अगर इसको मैं काटूं, 10 यहाँ से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 12, 12 दिया 3600, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर 3600, ठीक है, और साथ में इस 3600 का 3/20, इसका 3/ अगर मैं 3/20 5 5 15 5 20 20 20, ठीक है, 0 कट गया 12/36, ठीक है, इसका मैं करूँ 10 कट गया 18 18 54, 540 इधर से आ जाएंगे, एक बार जोड़ के देख लेता हूँ, 0 4 मतलब 7200 हो गया इधर, 540 इधर हो गया, 0 4 7 7 7 70 40, और टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं, घटा दो 4 7 40 रहा है लगभग, 11 7 4 70 40, तो मतलब 2 साल में इतना इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, इन ए क्लास टेस्ट एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 32 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज इतना, अच्छा टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर 3200 स्टूडेंट का मार्क्स निकाला जाए तो हो जाएगा 32 × 68। अब क्या कर रहा है, जब 2 टॉपर का स्कोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे कितने बच गए, 30 बच्चे बच गए, उन 300 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है 2 से घट जाएगा, तो टोटल अगर मार्क्स निकालो उन 300 बच्चों का तो 30 गुना कितने हो जाएंगे 66, पहले एवरेज था 68, 2 से घट गया तो बच गया 66। अब इसमें से जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर है उसका 96 नंबर है, तो हाईएस्ट स्कोरर का नंबर क्या होगा, देखो इसमें 30 बच्चे 31वां 32वां बच्चा का स्कोर है, इसमें टोटल 3200 बच्चे का स्कोर है, इसको सॉल्व करके एक्स निकालना है, इसको मैं यूनिट डिजिट से निकालूंगा, 8 × 16 के 6 इधर है, देखो इस दोनों गुना करूंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 6 है तो 6 और 0 को अगर जोड़ूंगा मैं 6 आएगा, 6 में से अगर 6 घटेंगे तो 0 आएगा, तो जो हाईएस्ट टॉपर है उसको 100 मार्क्स आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, 30% होता है 3/10 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसको रहने देते हैं अभी, देन बी परसेंट ऑफ 30, बी परसेंट मतलब बी परसेंट ऑफ 30 इज सेम एज डैश ऑफ ए, राइट, तब हम लोग करेंगे क्या, इस बी के जगह पे हम लोग ये 3a/10 को यहाँ रख देंगे, अगर बी के जगह पे मैं 3a/10 रख दूं
तो देखो हमारे पास क्या आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर क्या आ गया देखो 9/100a, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9% ऑफ ए, तो आंसर क्या हो गया हमारा 9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। When the price of an article was increased by 20%, the number of articles sold decreased by 30%. Find the overall change in the percentage of revenue generated by the shopkeeper. इसको मैं शॉर्टकट में पहले बताऊंगा, फिर लॉन्ग में बता दूंगा, ठीक है? मतलब बेसिक बता दूंगा। सबसे पहले देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो पहले देखो आर्टिकल का प्राइस कितने से इंक्रीज किया, 20%। कोई भी चीज 100 था वो 100 से 120 हो गया, और कंजम्पशन लेकिन उसका घट गया 30%, तो इसका 30% घटा दो, मतलब 30% अगर घट गया 70 हो गया, 70% बढ़ सकते 84, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ सकते 84, तो टोटल देखो उसका घाटा कितने का हो गया भाई, 16% का घाटा हो गया, तो आंसर हमारा 16% होगा। दूसरा तरीका से मैं समझाता हूँ, मान लेते हैं 10 रुपए का सामान था, नहीं 10 आर्टिकल थे, ठीक है, व्हेन द प्राइस, हाँ प्राइस ऑफ आर्टिकल, और चलो एक आर्टिकल था जिसका कीमत 10 रुपए था, ठीक है, और हम लोग उसके 10 पीस बेचा करते थे, ठीक है, एक मान लो नमक का पैकेट 10 रुपए का, 10 पीस अगर बेच रहे हो, शुरू में कितने रुपए आपको आ रहे हैं, 100 रुपीज आपको आ रहे हैं घर में, हुआ क्या, अब आर्टिकल का तो 20% संख्या प्राइस जो बढ़ गया 20% से, तो अब 10 रुपए का सामान हम लोग 12 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि आर्टिकल्स का संख्या 30% से घट गया, पहले 10 बेच रहे थे अब 7 बेच रहे हो, 12 से 84 रुपया ही आपके पास आया ना, तो ओवरऑल रेवेन्यू कितना घट गया आपके पास, रेवेन्यू घट गया 16 रुपए, मतलब पहले 100 का रेवेन्यू था अब 16 रुपए घट गया, तो 16% का डिक्रीज हो गया, राइट, ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग। नेक्स्ट पे चलता हूँ, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी बी, तो बी में बी जो कार बेचता है 22.5%, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो ये वाला ए का जो वैल्यू है वो परसेंटेज में ना देखे नंबर में दे दिया है, तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 25 15 कितना हो गया 40 40 20 60, 60% ये हो गया, तो इन दोनों को मिला कितना बचा 40 40 में से अगर 22.5 में घटाऊं 17.5%, तो 17.5% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 875 है, हमें निकालना है 22.5% का वैल्यू, तो 22.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 875 डिवाइडेड बाय 17.5 गुना 22.5, पॉइंट से पॉइंट उठा दो, 25 से काट दो, 25 सते 25 नमक, 7 से इसको काट दो, 7 का 7 7 दूना 14, 7 5 35, 125 नमक कितना होता है, 9 5 45 4 12 9 108 4 112, 1125 ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ, एक आदमी है जो कि एक स्कीम ए में इन्वेस्ट करता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 8% पर एन, ठीक है, एनुअली होता है एन, तो सेम सम उतना ही रुपया वो स्कीम बी में लगाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, जिसपे इतना परसेंट का रेट मिलता है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए एंड बी आफ्टर 2 इयर्स इज सेम, 2 साल के बाद देखा कि दोनों में सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आर का वैल्यू निकालना है, तो इंटरेस्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैसे निकालते हैं, पी इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर -1, ये हमारा टोटल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का तो हम लोग जानते ही हैं पी इंटू आर, आर की जगह ये पूरा लिखेंगे हम लोग 2r + 1/2 इंटू टाइम 2 साल डिवाइडेड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं, पी से पी कट गया, अब यहाँ देखो a + b इंटू a - b का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा r/100 इंटू 2 + r/100, ठीक है, और इधर मैं भी अगर ऐसा ही रखूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा इस 2 से 2 को काट ही देता हूँ, यहाँ क्या बच गया देखो 2r + 1/100, अच्छा इस 100 100 को भी काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, अब इस r को क्या करो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया देखो 2r + r² / 100 बराबर 2r + 1, 2r से 2r कट गया, 100 को अगर राइट साइड भेजोगे तो r² = 100, मतलब r बराबर कितना आ गया 10%, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, ए बी दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, एक ट्रेंगल है ए बी सी, ए का वैल्यू है 50 डिग्री, बी का वैल्यू है 110 डिग्री, सी नहीं मालूम है निकाल सकते हैं, 150 हो गया तो ये 20 डिग्री होगा, ए सी दिया है 10, हमें पूछा है ए बी कितना होगा एक्स, यहाँ साइन रूल लगा दो, ऑप्शन में भी सब जगह साइन ही दिख रहा है, साइन रूल क्या होता है, जैसे ए मतलब ये अगर साइड लेंगे तो इसके सामने वाला एंगल ऐसे लिखेंगे ए बाय साइन ए, मतलब साइन 110 बराबर बी बाय साइन बी, ठीक है, सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, साइन
ट्वेंटी को इधर भेज दो, अब ऑप्शन मिला लो, टेन इंटू साइन ट्वेंटी डिग्री, टेन इंटू साइन ट्वेंटी डिग्री डिवाइड बाई साइन 120। फर्स्ट ही ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 15 वीमेन वर्क 8 आवर्स अ डे इन ए गार्डन फॉर 10 डेज टू अर्न इतना रुपीस। तो MDH वाला फॉर्मूला पता है ना, MDH बाय W। तो ये W की जगह पे वर्क भी होता है एंड वेजेस भी होता है, ये वर्क भी हो सकता है और वेजेस भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ वीमेन है 15, डे होता है उसका 10 दिन, घंटा हो गया आवर 8, और वेजेस कितना है इसका 7500। 20 वीमेन है, घंटा 4 है, नंबर ऑफ डेज नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय अर्निंग है 10,000। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 4 भी कट ही गया, 3 से 5 बार में कट ही गया, 10 8 80, 20 चौके 80, तो ये 4 बार में, तो 5 चौके 20 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। पी एक काम को 30 दिन में करता है भाई, क्यू एक काम का 25% को 8 दिन में करता है, तो 100% बनाने के लिए 4 से गुना कर दो, तो क्यू टोटल काम 32 दिन में करेगा, आर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब सबको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 30, 32 और 25 का। अच्छा 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 और 32 का एलसीएम 75 गुना 16, अब तो नहीं कट रहा है, तो 15 गुना 16 यह हो जाएगा कितना, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या गुना करके लिखूंगा। अगर मैं इसका एफिशिएंसी निकालू पी का, तो 30 से 5 बार में कटेगा, 16 पंचे 80 हो गया एफिशिएंसी, इससे काटू तो 16 दुना 32 दूसरे 75 हो गए यहाँ पे, इससे काटू तो 25 छके 150 और 16 छके 96, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर सच दैट आफ्टर 8 डेज, सब एक साथ काम स्टार्ट करता है, अब टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा, गुना कर ही देते हैं, 16 पंचे 80 के सुनना बाकी 8, 16 8 24, 24 टोटल हमारा वर्क हो गया, 8 दिन तक तीनों मिलके काम करते हैं, तो तीनों कितना काम कर लेंगे 8 दिन में, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 8 7 15 9 24 1 25, 251 काम कर रहे हैं 1 दिन में, तो 8 दिन में 8 का 8 8 5 40 के सुनना बाकी 4, 8 2 16 4 20, 2008 काम तो यही हो गया। यहाँ पे क्यू छोड़ देता है भाई काम, क्यू हो गया खत्म, क्यू काम, एंड आफ्टर 2 मोर डेज आर आल्सो लेफ्ट। अच्छा इस 2 दिनों के बीच में कौन कौन काम करेगा ये देख लो, पी और आर दोनों काम करेगा ना, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 9 9 8 17, 176 होता है एक दिन में, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 2 12 2 बाकी 1 7 2 14, 352 काम इधर बच गए। अब बचा कुचा काम कौन करेगा, यहाँ से हमारा आर भी भाग गया, तो बचा कुचा काम पी करेगा, तो पहले यहाँ देखो बचा कितना काम, 0 हो गया इधर, 8 5 6 हो गया, 360 काम तो हो गया, बच गया 40 काम, मात्र 40 काम को अब करेगा कौन कौन कौन, पी, पी का एफिशिएंसी 80, तो ये हाफ दिन और लगाएगा, तो टोटल दिन कितना हो गया, 8 2 10 दिन और आधा दिन इधर, 10.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 512 मिलीलीटर मिल्क कंटेंस मिल्क एंड वाटर इतना रेशियो में है, तो मिल्क निकाल लेते हैं पहले, 512 का 9/16, 16 3 48, 16 2 32 या 27, 28 288 हो गया हमारा मिल्क, तो वाटर कितना हो जाएगा, 512 में सीधे घटा दो इसको, 12 में से हट गया 4 और 10 में से हट गया 2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 224, अब वो क्या रहा है 96 लीटर इसमें मिल्क और मिलाया जा रहा है और 16 मिलीलीटर वाटर मिलाया जा रहा है, तो नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो वही निकालने पूछ रहा है, तो 844 बाकी 1, 917 घटा कर बाकी 1, 384 और यहाँ हो गया 240, राइट, काटो भाई 4 से काटो, 4 9 36, 400 के 24, 15 4 60, 24 96, 3 5 15 3 8 24, 8:5। नेक्स्ट, मंथली इनकम ऑफ ए इज, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ए का मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहाँ बी का लिख देता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ठीक है, ए का इनकम दिया हुआ है भाई
8250। एक और क्या दिया हुआ है, सीधे वही पढ़ते हैं। एक का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत का 65% है, तो सेविंग का 65% जो है वो क्या है, उसका मासिक खर्च एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया 13, 5 से काटने पे 20, तो ऐसे इधर भेज दो। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो कितना हो गया 13-20, और एक्सपेंडिचर सेविंग को जोड़ते हैं तभी तो इनकम आता है ना, तो 13-20 33, तो 33 यूनिट का जो वैल्यू दिया है 8250 दिया है। 11 3 33, 11 77 77, 11 9, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 250। 250 को अगर 20 से गुना करोगे तो 5000 हो गया सेविंग, और इसमें से इसको घटा दो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 0 5 2 और 3, 3250, 0 5 2 3। हाँ ठीक है, एक का सब कुछ हमें मालूम हो गया। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए मतलब 3250 बटे टू मंथली सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी इधर लिख देते हैं, इस 13:12, कितना है ये 13:12, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू दिया है, 12 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा तो सेविंग ऑफ बी आ जाएगा, तो 13 से काटो, 13 2 26, 13 5 25, 250 हो गया, 250 गुना अगर 12 करते हो तो बी का सेविंग आ जाएगा 12 × 250, 12 0 0, 12 5 6, 12 2 24 30, 3000 हो गया किसका, हमारा बी का सेविंग। और क्या दिया है, हाँ यहाँ देखो, मंथली सेविंग ऑफ बी, मंथली सेविंग ऑफ बी इज 20% मोर देन हिज मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है, तो 120% हो गया, काटो तो 6 5 30 5 2500, एक्सपेंडिचर हो गया 2500, तो टोटल इनकम कितना हो गया 5500। तो पूछा है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, 0 5 12 में से 5 गया 7 2, 2750 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाँ, अ ट्रेन टेक्स 15 सेकंड टू क्रॉस ए टनल, 10 सेकंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ टनल एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म में कितना है इतना, तो टनल का लेंथ हम लोग मान लेते हैं 9x और प्लेटफॉर्म का मान लेते हैं 4x, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर दिया हुआ है, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टनल, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना, तो इजी है। एस बराबर बी डी, टोटल डिस्टेंस हम मान लो जब हम लोग ट्रेन जो है टनल को पार कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे, ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ इज इक्वल टू स्पीड हमारा हो जाएगा वी मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड इंटू टाइम को लगा 15 सेकेंड। फिर दूसरी बार जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था टोटल डिस्टेंस ये हो गया वी और टाइम हो गया, दोनों को डिवाइड दे दो, डिवाइड देने भी दोनों कट ही गया, 5 3 15 5 2 10। ठीक है, कोना कोनी अगर गुना करोगे एक्स वाला गुना करो, 9 2 18 और 4 3 12, 12 में से 18 गया 6x बराबर 120 गुना 2 और 120 गुना 3 में अगर डिफरेंस करोगे तो 120 गुना 1 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 6 2 12 20। पूछा गया इन्हीं दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5x, x का वैल्यू 20 है, 20 5 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इनका रेशियो दिया, तो पहले क्या करो सारे रेशियो को जोड़ देंगे, अगर सारे रेशियो को मैं जोड़ता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 1 6 4 10 के सुनना, बाकी 1 6 4 10 3 13 6 4 10 3 13 14 140 सबको जोड़ने पे 2 a² + b² + c² आएगा, तो 2 से डिवाइड देने पे 70 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके a² b² c² निकालते हैं, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो हमें इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो ये देखो बीच वाला रेशियो क्या है 61 61, अगर इसमें घटाओगे 9 आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बराबर अगर 9 आया तो ए का वैल्यू 3 आ गया। एक्स में भी मान के बना सकते हो, बिना एक्स में भी बन जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, बी अगर निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, तो 45 अगर 75 में से घटाओगे तो 25 आ जाएगा, तो मतलब हमारा बी जो आ जाएगा 5 आ गया। सी का निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 34 घटाना पड़ेगा, तो 70 में से 34 घटाओगे 36 आ जाएगा, तो सी आ गया। अच्छा, अब बी माइनस ए करो 2:1, सी माइनस बी 5 में से 6 गया 1 और सी माइनस ए 6 में से 3 गया 3, 2 1 3 देखो कहाँ है, यहाँ है। नेक्स्ट पे चलो, अ बोट इंक्रीजेज इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बाय 4 km/h आफ्टर एवरी 2 hours, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एट स्टार्टिंग एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:1,
शुरू में स्पीड ऑफ बोट कितना था 4x, और बोट यहाँ लिख देता हूँ मैं, और स्ट्रीम का जो स्पीड था वो x था, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। अगर बोट जो है 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 6 घंटे का समय लेता है भाई। अच्छा, 6 घंटे में दो दो घंटे का कितना पीरियड हो गया, 3 पीरियड हो गया। तो पहला 2 घंटा इस 4x के स्पीड से चलेगा बोट, 2 घंटे के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 4x प्लस 4, स्ट्रीम का स्पीड तो x ही रहेगा। अगले 2 घंटे में वो 4x प्लस 8 के स्पीड से चलेगा, स्ट्रीम का स्पीड x होगा। अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है भाई तो डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड क्या होगा, जुड़ जाता है ना, ये हो गया स्पीड 5x, ये हो गया 5x प्लस 4, ये हो गया 5x प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना है 84, तो लेफ्ट साइड अगर टोटल डिस्टेंस करते हैं तो राइट साइड भी टोटल डिस्टेंस करेंगे, लेकिन स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड हमें मालूम है, टाइम दो दो घंटे का, तब तो 6 घंटे लगा ना उसे टोटल, देखो टाइम भी टोटल 6 घंटे दिया, दो दो घंटे का, तो पहला हो गया 10x, दूसरा हो गया 10x प्लस 8, तीसरा हो गया 10x प्लस 16, ये हो गया 30x प्लस 24 बराबर 84। 24 को अगर राइट साइड भेजोगे तो घट के हो जाएगा 60, तो x बराबर हो गया 2। पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इनिशियली, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो x ही है ना, x का वैल्यू 2 निकला, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आई नीड योर सपोर्ट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें जरूर, अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। Thank you very much for watching this video, and all the very best for your upcoming examination. Thank you.